Now I am going to solve the next question, that is root 2, root 8, root 18 and root 32. We have to find it is in AP. हमें बताना है कि ये AP में है कि नहीं है. अगर है तो common difference कितना है, और उसके बाद हमें इसके next three terms निकालने हैं. So अब हम इसको क्या लिख सकते हैं. ये हमने रूट टू है, इसको हमने टू लिख दिया. रूट एट को क्या सॉल्व करके आएगा, टू रूट टू. वैसे ही एटीन को सॉल्व करेंगे थ्री रूट टू, और थर्टी टू को सॉल्व करेंगे फोर रूट टू आएगा. इट इज़ वेरी इजी. नाउ ए वन इज इक्वल टू रूट टू, ए वन इज इक्वल टू रूट टू, ए टू इज इक्वल टू टू रूट टू, सेम ए थ्री इज इक्वल टू थ्री रूट टू, और ए फोर इज इक्वल टू फोर रूट टू. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डी वन. डी वन इज इक्वल टू, जब आपको ए पी बताना हो, क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए कि ए पी में है कि नहीं है, तो डी वन डी टू डी थ्री, कम से कम डी थ्री डी फोर तक आप लोग निकालेंगे जिस तरह से टर्म्स दिया होगा, ताकि क्लियर हो जाए कि ऐसा ना हो कि दो बार दो तीन टर्म्स तो दिखता है कि ए पी में है, अगला जो है वो नहीं होता है. तो अगर D4 भी अलग आ गया तो भी हम लिख देंगे कि AP में नहीं है, इसीलिए D1, D2, D3 हम लोग फाइंड करेंगे. अब D1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1. D1 इज इक्वल टू A2 आपके पास है टू रूट टू माइनस रूट टू. D1 इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने पढ़ा था, दो बार रूट टू है और एक बार रूट टू माइनस हो रहा है, तो हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ जो है रूट टू बचेगा. ये बिल्कुल उतना ही इजी है जैसे दो रोटी में से एक रोटी को निकाल दिया, वैसे ही बिल्कुल टू एक्स से माइनस किया वन एक्स को. नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, डी टू. डी टू इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू. अब ए थ्री हमारे पास है थ्री रूट टू. डी टू इज इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू. डी टू इज इक्वल टू अब रूट टू एज इट इज सेम डी थ्री ए थ्री ए फोर. डी थ्री इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री. अब ए फोर क्या है, ए फोर डेट इज फोर रूट टू. फोर रूट टू माइनस ए थ्री डेट इज थ्री रूट टू. थ्री रूट टू देन डी थ्री इज इक्वल टू फोर रूट टू से थ्री रूट टू माइनस हुआ, क्या हो गया आपके पास रूट टू. तो अब देखो डी वन डी थ्री कितना आया रूट टू, डी टू कितना आया रूट टू, और डी वन कितना आया ये भी रूट टू. तो क्या आया, डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री. तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है, तीनों जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या लिखोगे, इट इज इन ए पी. ये हमारे पास क्या है ए पी. फिर क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस आया रूट टू. एक और चीज़, जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो इस बात का भी आगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालना है, तो थ्री टर्म्स निकालना है तो रूट हमारे पास ए फोर तक दिया है, तो ए फाइव ए सिक्स आप खुद से निकाल लेंगे.